Good morning everyone, my name is Rekha Sharma. Today I am teaching you social study. As the topic, your topic is house. Okay, the topic is house. House kaise banta hai? So aaj main aap logo ko wo bataungi. So dhyan se suniyega. Go to your outside, look around, you will see different type of house. Some house are small, some house are big. Okay, hum log ghar se bahar jab nikalte hain ya fir bahar kuch nazar thoda se bahar jaate hain to usme hum log kya dekhte hain, jo ghar se bahar bahut tarah tarah ke ghar dikhne lagte hain, koi bada, koi chhota, koi bahut acha sa, koi chhota sa ekdam sa, hai na? So bahut sare ghar bahut tarah ke hote hain. House are made of different materials such as brick, cement, iron, wood, bamboos, mud. Okay, इन सब चीजों से घर बनता है. क्या क्या चीजें से? Brick, bamboo, wood, iron, cement, mud. Okay. Our house protects us from heat, cold, rain, dust, dirty. Okay. हमें हमारा घर बचाता है धूप, सूर्य के धूप से, ठंड से, बरसात से, फिर डस्ट मतलब धूल धुए से, ये सबसे हमारा घर हमें प्रोटेक्ट करता है. वी कीप ऑल आवर थिंग्स इन आवर हाउस. आवर फैमिली लिव टुगेदर इन हाउस, वी कॉल इट आवर हाउस. हम लोग सब एक घर में रहते हैं, हम लोग एक फैमिली अपने घर में रहते हैं. जैसे कि मैंने फैमिली के चैप्टर भी आप लोगों को पढ़ाया था कि बच्चे कैसे रहते हैं. सो हम लोग सब साथ में, जिस तरह से साथ में मीन्स टुगेदर मीन्स साथ में, हम लोग सब साथ में रहते हैं. तो किस घर, कहाँ रहते हैं? घर पे. तो जिसे हम लोग जिस घर में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? हाउस. ओके, सो हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ. ओके, हमारे लिए घर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज रखता है. टाइप ऑफ हाउस, बेसिकली टाइप ऑफ हाउस थ्री टाइप्स के होते हैं, परमानेंट, टेम्पररी एंड मोबाइल. परमानेंट मीन्स स्थायी, टेम्पररी मीन्स अस्थायी, और मोबाइल मीन्स गतिशील, मतलब कहीं भी आ जा सकता है. परमानेंट आर मेड ऑफ ब्रिक, स्टोन एंड सीमेंट, दे आर लास्ट ऑफ लॉन्ग. हम लोग का परमानेंट हाउस कैसे बनता है? परमानेंट हाउस बनता है ब्रिक, सीमेंट एंड स्टोन से. ब्रिक मीन्स ईंट, स्टोन मीन्स पत्थर एंड सीमेंट मीन्स सीमेंट. इससे घर बहुत दिन तक बना था. बड़े बड़े फ्लैट, बड़े बड़े घर जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? इन सब चीज़ों से. बहुत दिन तक टिकाऊ होते हैं. ओके,
आपके लिए बहुत अच्छा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आज आप लोगों का कंप्लीट हो गया है।